संकल्प। संकल्प वो होता है जिन विचारों में मनुष्य की ममता, आग्रह या आसक्ति होती है, उसे संकल्प कहते हैं। क्योंकि संकल्प किसी विशिष्ट परिस्थिति में या किसी खास हालात में लिए जाते हैं, इसीलिए जैसे भूख लगना प्राणों का धर्म है, शरीर के लिए भोजन चाहिए होता है, पर प्राणों के साथ तादात्म्य होने से, शरीर को अपना ही स्वरूप मानने से भूख मुझे लगती है और मैं भोजन पाऊँ ऐसा प्रतीत होता है। वास्तव में भोजन तो प्राणों के पोषण के लिए होता है, शरीर के पोषण के लिए होता है, स्वयं के नहीं। इसीलिए जब विचारों में कोई ममता, आग्रह, वासना या आसक्ति ना हो, कोई कर्तापन ना हो, तो विचार बांधने वाला नहीं, फिर तो वो विचार कर्म करने हेतु मिली हुई स्फूर्णा है, संकल्प नहीं। संकल्प बांधने वाला है, जैसे भगवान विष्णु के वामन अवतार में महाराज बलि ने संकल्प लिया। ब्राह्मण या वामन का रूप धरे हुए भगवान को जितनी भी भूमि चाहते हैं वो भूमि उनको प्रदान करेंगे, ये संकल्प उन्होंने लिया था। तो महाराज बलि को भगवान ने जो 3 पग भूमि मांगी वो देनी ही पड़ी, क्योंकि संकल्प लिया था, इसलिए बंध गए। अगर संकल्प तोड़ते हैं तो निंदा हो जाती है, पाप लगता है, इसीलिए संकल्प करना ही है तो मनुष्य ने सत्य तत्व अर्थात परमात्मा प्राप्ति का करे, जो भगवान पूरा करते हैं। तो आज तक इतना ही। अपना ख्याल रखें, धरती माँ की रक्षा करें और ज़रूरतमंदों की सहायता करें। धन्यवाद। थैंक यू।